हेलो दोस्तों, तो आज हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद, भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपको भारत के किसी भी राज्य से औरंगाबाद की ट्रेन मिल जाएगी, तो स्टेशन उतरते ही आपको वहां के लिए बस मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगा, रिजर्व ऑटो या प्राइवेट कार मिल जाएगा स्टेशन से, और आप वहां से ज्योतिर्लिंग आ सकते हो। 35 किलोमीटर डिस्टेंस है और करीबन 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा। मंदिर के सामने पार्किंग फैसिलिटी भी है, अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हो तो पार्किंग में भी कार रखने की जगह आपको मिल जाएगी। 100 रुपये आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे, और बस से आ सकते हो। आपका किराया 70 रुपया लगेगा। गवर्नमेंट प्राइवेट बस दोनों ही अवेलेबल है, आपको मंदिर के सामने उतार दिया जाएगा। और ऑटो रिजर्व करके आने से आपको 500 से 400 एज़ पर योर बार्गेनिंग स्किल आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो हम पहुंच चुके हैं भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग, और जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हो, मैंने 12वां ज्योतिर्लिंग का टूर ब्लॉग बनाया हुआ है। तो यह है मंदिर का मुख्य द्वार, और मंदिर के चारों तरफ फैला हुआ है मार्केट छोटा सा, जहां आपको फूल फल इत्यादि सब मिलेंगे, पूजा के सारे सामान मिलेंगे, रुद्राभिषेक के भी सारे सामान मिलेंगे। यहाँ की एक खूबसूरत बात है, जितने भी दुकान है 90% लेडीज़ चलाती है ये दुकानें, तो ये बहुत ही अच्छा है। मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारे लॉकर सुविधा मिलेगी, आप वहाँ पे अपने लेदर के बेल्ट पर्स ये सब आप रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप चप्पल भी वो दुकान में उतार के वहाँ प्रसाद आप ले सकते हो अंदर चढ़ाने के लिए। आपको फूल फल सब आपको बाहर मिलेगा, और इनके रेट बड़े रीज़नेबल है, तो आप ये सारी चीज़ मंदिर के बाहर से लेके ही अंदर जाएं। और अंदर आपको दर्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स लगेगी जब सीज़न नहीं रहेगा। तो हम लाइन में लग चुके हैं, अब हम आपको सीधा लाइव दर्शन करवाने वाले हैं भारत के 12वें और आखिरी ज्योतिर्लिंग के। ये बैठे हैं हमारे घृष्णेश्वर महादेव। अगर आपको गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को छू कर दर्शन करना है, तो इस मंदिर का एक नियम बनाया हुआ है कि आपको ऊपर के शर्ट और गंजी खोल के खाली बदन मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाज़त मिलेगी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। और यह मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात है, इसकी बनावट और इसकी निकासी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के प्रांगण के अंदर आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े मंदिर नज़र आएंगे, और इसकी खूबसूरती का आनंद उठा के हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं मंदिर से कुछ ही दूर पर, करीबन 1 किलोमीटर के करीबन इलोरा की गुफाएं, जो वर्ल्ड हेरिटेज भी उसे माना गया है। तो हम चलते हैं सीधे इलोरा की गुफाएं, खूबसूरत और अद्भुत गुफाएं। यहाँ टोटल 34 केव्स है, यानी 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 गुफाएं बुद्ध की मानी जाती है, 13 से 29 गुफाएं हिंदू की मानी जाती है, और 30 से 34 गुफाएं जैन धर्म की मानी जाती है। तो आप शायद एक दिन में सारी गुफाएं ना देख पाएं, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत है। एक ही पहाड़ को काट के ये बनाया गया है, जो आज के युग में करीबन करीबन इम्पॉसिबल है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और इसका आपको भी नज़ारे अंदर के दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक पर्वत का हिस्सा है जिसको काट के ये बनाया गया है। जो आप अपने आँखों से देखोगे तब आपको एक अलग ही फील आएगा, और आप जब औरंगाबाद जाएं तो ये मस्ट विजिट प्लेसेस में है। यहाँ पे आपको मिनिमम एंट्री फी भी देना पड़ेगा 20 रुपये का, और पर पर्सन।
और इसकी टाइमिंग है 6 AM टू 6 PM। एलोरा के 34 मठ और मंदिर छत्रपति संभाजी नगर के निकट 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इन्हें ऊंची चट्टानों की दीवार से काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण जब हुआ होगा तो ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण के क्रम की अनुमानता 40,000 टन भार पत्थर को ताले से बचाया गया है। इलोरा केव्स के अंदर चारों ओर मूर्ति से भरा हुआ दुर्गम पहाड़ी वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी काल का है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवन प्रदर्शन करता है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म का भी समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल कलात्मक सूजन और एक तकनीक को भी दर्शाता है। एलोरा केव के अंदर 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर यानी शिव जी का मंदिर स्थित है, जो एलोरा केव का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है। तो आइए हम कैलाश मंदिर के अंदर चलते हैं। कहा जाता है इस मंदिर का वजन 40,000 टन है और मंदिर की हाइट 90 फुट। और ये मंदिर का आकलन किया गया है करीबन 7,000 मजदूरों ने इसे बनवाया होगा। और कहा जाता है कि इसे बनाने का आदेश कृष्ण प्रथम ने दिया था। और यहाँ लाइट नहीं है, अंधेरा नहीं है, ये थोड़ी ऊंचाई पे है तो हमें आपको अंधेरे में ही शिवलिंग का दर्शन कराना पड़ेगा। ये बैठे हैं हमारे महादेव, तो ये किसी बहुत बड़े भक्त ने ही बनाया होगा। हम थोड़ी, हाँ ये देखिए अब आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी थोड़ी लाइट में। इलोरा केव से निकल के अब हम पहुँच रहे हैं शिवालय तीर्थकुंड। ये औरंगाबाद का एक मस्ट विजिट प्लेस है और इसे तीर्थ की तरह ही माना गया है। कहा जाता है यहाँ स्नान करके ही आप 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से उसका संपूर्ण फल मिलता है। इस शिवालय तीर्थकुंड में टोटल 9 मंदिर है और बारिश के टाइम में ये सारे के सारे डूब जाते हैं और सिर्फ भगवा पताका ही या भगवा फ्लैग ही आपको नजर आएगा। और इस टाइम में आप 9 मंदिर में 9 शिवलिंग है, आप उसे इसी कुंड का जल चढ़ा के सींच सकते हो। यहाँ की एक प्राचीन कथा भी है। यहाँ पे शिव भक्तनी घुसमा रहती थी। वो प्रतिदिन मिट्टी के 108 शिवलिंग बना के उनकी पूजा करती थी और ओम नमः शिवाय जप कर इसी कुंड में वो 108 मिट्टी के बने शिवलिंग विसर्जन करती थी। और उनकी ये पूजा देखकर महादेव प्रसन्न हुए और घुसमा को महादेव ने साक्षात दर्शन दिए और कहा मैं यहीं विराजमान हो जाऊंगा। और घुसमा के मरे हुए पुत्र को भी उन्होंने जीवित किया। और इस कुंड का रिनोवेशन अहिल्याबाई होलकर द्वारा भी करवाया गया है। इसलिए इसे घुमेश्वर या घृष्णेश्वर महादेव भी कहा गया है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि इस सावन में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के हम साक्षात दर्शन कराएंगे और अगल बगल आप क्या घूम सकते हो वो भी दिखाएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग में जाके देख सकते हो, 12 ज्योतिर्लिंग आपको मिल जाएंगे और वो हमने एक प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है। और इसके बगल में ही आपको सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर भी मिलेगा। ये कहा जाता है कि आप अगर सुबह इसे मन से पूजा करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आपको इसी कुंड का जल से अभिषेक करना होता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।